किसी भी कॉन्सेप्ट का आज का प्रेजेंट स्टेटस जानने से पहले उसका बैकग्राउंड सबसे पहले जानना चाहिए ताकि हम उसका ओरिजिन जान सकें। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बेसिक इन्फो। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। इसी रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था और ये सबसे पहला रिजोल्यूशन था जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक क्लेम किया गया था। और इस रिजोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए उन सभी कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स को ऐड किया था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंस के बाद न्यू इंडिया में अडॉप्ट करना चाहती थी और प्रीएम्बल इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर ही बेस्ड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वेबसाइट पर ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रीएम्बल जो कि ब्रीफ में एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्टरी कैसे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स मेंशन है उन सभी का पर्पस और उनके पीछे प्रिंसिपल्स जितने भी है वो सभी आपको छोटे से स्टेटमेंट में ही मिल जाएंगे। तो इसका मतलब प्रीएम्बल को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स मेंशन है उन सभी का ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। तो प्रीएम्बल को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंट्री, सिटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रीएम्बल का सबसे पहला पार्ट जो कि कंट्री से रिलेटेड है, इसके अकॉर्डिंग भारत की जनता पीपल ऑफ इंडिया ही भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सिक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाती है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ही वी द पीपल ऑफ इंडिया है, भारत की जनता ही है। सॉवरेन यानी कि इंडिया खुद के मैटर को खुद डील कर सकती है, बाहर की इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया की खुद की पार्लियामेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पर लेजिस्लेशंस, लॉज बना सकती है। सोशलिस्ट यानी कि इंडिया डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म का मिक्सचर है जहां पर सभी को इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी ही मिलती है। सिक्युलर यानी कि इंडिया को कोई खुद का रिलीजन नहीं है। एंड नेक्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट बनाने की पावर भी इंडिया की जनता के पास ही है जो कि इलेक्शंस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। रिपब्लिक मतलब एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड की जो पोस्ट है वो कोई इनहेरिटेंस से, हेरिडिटरी से नहीं मिलती बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है 5 ईयर्स के लिए। प्रीएम्बल का सेकेंड पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करता है जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड प्रीएम्बल का थर्ड पार्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड इनेक्ट कर लिया था।